या देवी शक्ति शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य। नमो नमः हमारी चेतना के अंदर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं इन नौ दिनों में पहले तीन दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं इसके बाद तीन दिन रजोगुणी और बाद में तीन दिन सतोगुणी प्रवृत्ति की आराधना का महत्व तो है दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती इन तीनों ही रूपों में देवी माँ की आराधना की जाती है देवी माँ सर्वत्र व्याप्त हैं, समस्त जीव जंतुओं में चेतना के रूप में स्थित विद्यमान है या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत भी दीय नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए जब सृष्टि का अस्तित्व तो नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है इनके शरीर की कांति और प्रभावी सूर्य के समान ही दीप्तमान है इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्ही की छाया है माँ की आठ भुजाएं हैं अतः ये अष्ट भुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं इनके सात हाथों में कमंडल धनुष कमल पुष्प अमृत पूर्ण कलश चक्र और गधा है आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है देवी माँ का वाहन सिंह है माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं इनकी भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है माँ कुमांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है विधि विधान से माँ की भक्ति पथ पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए अत्यधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्ध और उन्नति की ओर ले जाने वाली है अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को देवी माँ के स्वरूप की उपासना सदैव करनी चाहिए चतुर्थी के दिन माँ कुष्मा की आराधना की जाती है इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर करके आयु यश में वृद्धि करने की क्षमता है या देवी सर्वभूतेषु भूत माँ रूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नमः। हे मां सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ हे मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी माँ के पांचवें स्वरूप स्कंद माता के बारे में यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी माँ की कृपा पर सदैव बनी रहे जय माँ दुर्गे